तो गाड़ी है होंडा और ये अमेज 2014 मॉडल, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसमें ये रहा अमेज आईडी चेक। इसमें इशू क्या आ रहा है कि दोस्तों, जब इसका इग्निशन ऑन करते हैं तो आप देख सकते हैं, जैसे इग्निशन ऑन किया तो सारी लाइटें चले जा रही है। ये इसका स्टीयरिंग वाली है, चेक लाइट है ये इसका, बट ABS वाला लाइट नहीं जा रहा। जैसे इंजन भी चालू करते हैं, इंजन चालू करें, देखिए इंजन चालू हो गया हमारा, ये दोनों दरवाज़ा खुला है, सीट बेल्ट का ये और ये पार्किंग ब्रेक लगा है, बट ये ABS का लाइट जाना चाहिए, बट ये ABS जा नहीं रहा। तो इसको क्या प्रॉब्लम है जिसके से ABS का लाइट आ रहा है वो हम देखते हैं। तो इसके लिए हमने अपना सबसे पहले इग्निशन ऑफ करते हैं, इंजन ऑफ किया, इग्निशन ऑन किया और हमने अपने यहाँ पे कनेक्टर लगाया हुआ, ये हमारा कनेक्टर है, इसमें लाइन आ गया है। और ये जो हमारा स्कैनर है लॉन्च का, स्कैन प्लस एक्स, इससे डायग्नोस करेंगे और फॉल्ट क्या है वो देखेंगे। तो स्कैन प्लस एक्स पे क्लिक किया, लोकल डायग्नोसिस, डायरेक्टली इसी पे जाएंगे, हमारा होंडा गाड़ी है, होंडा पे क्लिक किया, ओके करेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से 16 पिन में जाएंगे, जनरल में जाएंगे, तो हमारा यहाँ पर से ऑटोमेटिक विंड डिटेक्शन करेगा। यहाँ पर देखिए, ये हमारा गाड़ी का डिटेल ले लिया ऑटोमेटिक, ओके करेंगे। यहाँ सिस्टम सिलेक्शन लेंगे, उसके बाद जाएंगे यहाँ पे ABS के अंदर, ओके करेंगे। ABS के अंदर जाके डायरेक्ट देखते हैं कि क्या फॉल्ट दिखा रहा है, क्या लगता है, हम लोग मॉडल जमाना का लड़का है, सब छोड़ देते। देखिए अब यहाँ से ओके करेंगे, यहाँ रीड फॉल्ट कोड में जाएंगे, ये देखिए रियर लेफ्ट रियर व्हील स्पीड सेंसर सर्किट माल फंक्शन, यानी पीछे का जो बैक साइड का लेफ्ट साइड यानी बाएं साइड का जो सेंसर है उसका वायरिंग काटा हुआ है। तो वो देखते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये वायरिंग कहां से कटा हुआ है। तो जाते हैं पीछे की तरफ, ये हमारा हुआ लेफ्ट साइड का चक्का, इसकी वायरिंग आप देख सकते ये इधर से आया हुआ है और इसका जो कलर है ये ब्लैक सॉरी रेड और येलो है, और इसका जो वायरिंग इस तरीके से यहाँ से जाएगा। तो अगर इसको हम यहाँ से उठाएंगे, उठा के यहाँ से हटाएंगे तो ये देखिए इसका चूहा, देखिए अंदर में घुसा हुआ था, तो चूहे ने क्या किया भाई, ये येलो और रेड वाली वायर कट कर दिया है, यहाँ से तीन तार कट हुआ देखिए। बट ये ABS वाला ये जो है येलो और रेड का है और ये दूसरी चीज़ के लिए है। तो ये वायरिंग कटे होने की वजह से जो हमारा सेंसर है उसको सिग्नल नहीं मिल रहा, जिसके वजह से इसका ABS का लाइट आ रहा है। इसको वायर को जोड़ते हैं फिर आपको दिखाएंगे ABS का लाइट को डिलीट करके। तो वीडियो को करते हैं पॉज, जब तक करते हैं इसका वायरिंग सही, फिर आगे दिखाएंगे। तो दोस्तों हमने ये जो वायर था, ये तीनों देख सकते हैं, ये दोनों ABS वाला वायर है और ये एक्स्ट्रा वायर था जो किसी और चीज़ के लिए, तो हमने वायर कनेक्ट कर दिया। अब हम जाते हैं अपने स्कैनर पर और दिखाएँगे इसका कि इसका जो फॉल्ट कोड था ABS का पीछे का बाएं साइड का वो क्लियर हुआ कि नहीं। तो चलते हैं स्टीयरिंग, देखिए तो हम आ चुके हैं अपने स्टीयरिंग के पास, यहाँ इग्निशन ऑन करते हैं, इग्निशन ऑन कर दिया, देखिए अभी भी लाइट अभी भी आ रहा है, ठीक है ABS वाली, अब ये चला गया, आके चला गया, देखा आपने। अब यहाँ जाते हैं बैक, रीड फॉल्ट कोड में जाते हैं, सॉरी रीड फॉल्ट कोड में गए, अब देखिए रीड फॉल्ट कोड में अभी दिखा रहा है, तो यहाँ से क्लियर फॉल्ट कोड करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे ओके करेंगे, वापस से रीड फॉल्ट कोड करेंगे, देखिए अब नो ट्रबल कोड आ गया और यहाँ पे जो लाइट दिखा रहा था ABS का वो भी चला गया है। देखिए अब हम गाड़ी को स्विच ऑफ करके स्विच ऑन किए, ये लाइट ABS का आया और चला गया, पहले क्या आ रहा था आके ठहर जा रहा था। अब गाड़ी स्टार्ट करेंगे, गाड़ी स्टार्ट करके देखिए ये सारी लाइटें बंद हो गई, सिर्फ ये गेट खुला हुआ जिसकी वजह से लाइट आ रहा है ये, और ये सीट बेल्ट का है और ये पार्किंग ब्रेक का। तो इस तरीके से हमने अपना लॉन्च का जो स्कैनर है उसे लगा के और इसका जो ABS का लाइट का प्रॉब्लम था होंडा गाड़ी का, होंडा अमेज 2014 मॉडल का, उसको सॉल्व कर दिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू, बाय बाय।